आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बेहद गंभीर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में मेरठ के बाद आज पीएम मोदी अमरोहा तथा सहारनपुर में भाजपा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण की 16 सीटों के चुनाव को देखते हुए यह पीएम मोदी का दूसरा दौरा और तीसरी सभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा के गजरौला में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। गजरौला में प्रधानमंत्री मोदी करीब एक घंटे मंच पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भले ही वह पहली बार अमरोहा आ रहे हैं, लेकिन बतौर स्टार प्रचारक मोदी दो बार अमरोहा में आ चुके हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी गजरौला के ब्लॉक क्षेत्र में गांव बस्तौरी में नेशनल हाईवे से सटे रिलायंस पेट्रोल पंप की बगल में पार्टी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सांसद कंवर सिंह तंवर के फॉर्म हाउस पर उतरा और यहां से सीएम को कार से आयोजन स्थल तक पहुंचाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे आएंगे। पीएम मोदी की आगवानी मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर प्रधानमंत्री की आगवानी करेंगे। दरअसल मोदी को सुनने के लिए प्रदेश भर के नेता अमरोहा आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैराना लोकसभा क्षेत्र के कस्बा ननौता में भाजपा विजय संकल्प रैली की सभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे सभा स्थल के निकट बने हेलीपैड पर उतरेंगे और यहाँ से सीधे मंच पर जाएंगे। रैली के समन्वय व भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री मोहित बेनीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अमरोहा में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद सहारनपुर के ननौता से जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।